भी प्रेशर कुकर हूँ, गलाने पर आ जाऊँ ना तो दाल तो क्या पत्थर भी गला दूँ। हाय बेबी कौन हो, क्या बोले जा रही हो? ये मेरा शौहर है। खबरदार अगर नायला का नाम भी अपने जबान पे लाए तो। माँ जबीन, हम गूंगे जरूर बने हुए लेकिन अंधे और बहरे नहीं है। हर बात की खबर है हमें। वो जो तुमने दूल्हा मियाँ की शादी में तमाशा बनाया था वो क्या था, और अब तुम किससे निकाह करने चली थी? तुम समझती हो कि हमारी फूफीजाद की दौलत पर तुम अपना आशिक लाकर बिठा दोगी? तो बीबी ये हम होने नहीं देंगे। ऐसा वैसा कुछ नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। ऐसा ही है, सब समझते हैं हम। अगर तुम्हें शादी करने की इतनी ही जल्दी है तो हमें कहो, हम करवा देते हैं तुम्हारी शादी। सेठी भाई के अगर बहन भाई नहीं है तो क्या हुआ, हम उनके करीबी रिश्तेदार हैं और अपने खानदान में शादी करवाएंगे। शादी की तमन्ना नहीं है आपा, एक अकेली औरत होने की हैसियत से अपनी हिफाजत के लिए एक महरम का सहारा चाहता बस। अगर ऐसी ही बात है तो हम है ना, वो राशिद भाई है ना, सेठी भाई के खाला के लड़के। अरे अभी अभी वो रनवे हुए, उनको भी खिदमत के लिए एक बीवी का सहारा मिल जाएगा और घर की बात और जायदाद घर में ही रह जाएगी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप दोनों? सेठी साहब तो अपनी जिंदगी में भी उनको पसंद नहीं करते थे। वो दुकान वाला फ्रॉड भूल गए आप दोनों? मैं कैसे सब कुछ उनके हवाले कर सकती हूँ? तब की बात तब थी, अभी की बात करो तुम। बस अब तुम हमारी मर्जी से शादी करोगी। पहले ही तुम्हारी वजह से हमारे भाई की काफी बदनामी हो चुकी है मोहल्ले में। सेठी भाई हमारे पुप्पीजाद भाई थे तो क्या हुआ, भाई तो थे ना। कौन हो तुम बेटा? मैं पूछ रही हूँ कौन हो तुम? मैं शकूर, जाहिद भाई की दुकान पे ही होता हूँ। एक दो दफा आपको कपड़े भी देने आया था भाभी के। हाँ हाँ याद आ गया, कैसे आना हुआ? खैरियत तो हो? जी आपसे कुछ बात करनी थी। सब ठीक तो है ना? जी मुझे समझ नहीं आ रहा आपसे ये बात करनी चाहिए भी या नहीं। साहिद भाई के अब्बा के बाद एक आप ही तो उनकी बड़ी है, तो मेरे जहन में आप ही का ख्याल आया। हाय अल्लाह, जाहिद ने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कर दिया? किसी मुश्किल में तो नहीं है वो? अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो अब वो नायला बीबी। अब समझी। अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो बस चाहता हूँ कि आप जाहिद भाई को समझाएं कि नायला बीबी पे सख्ती कम किया करें। देखिए अगर आप उन्हें समझाएंगे ना तो वो समझ जाएंगे। समझ गई, मगर तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है नायला बीबी की? वो बस उनके घर का नमक खाया ना, और जाहिद भाई के अब्बा मुझे अपने बेटों की तरह मानते थे, तो बस और कुछ नहीं। अच्छा और कुछ नहीं? नहीं और कुछ नहीं। मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सेठी भाई ने मरते वक्त तो ये तक भी ना सोचा कि उनके मरने के बाद हम गरीब रिश्तेदारों का क्या बनेगा। सारा कारोबार और जायदाद तो तुम्हारे नाम कर गए वो। अपना हक हमें खैरात की तरह मिलता रहे, ये कहां से इंसाफ की बात हुई? हम अपनों से ज्यादा उन्होंने तुम पराई पर यकीन रखा, और तुम हो के नाजायज फायदा उठा रही हो। तुम समझती हो कि हमारी फूफीजाद की दौलत पर तुम अपना आशिक लाकर बिठा दोगी? तो बीबी ये हम होने नहीं देंगे। अगर तुम्हें शादी करने की इतनी ही जल्दी है तो हमें कहो, हम करवा देते हैं तुम्हारी शादी। बस अब तुम हमारी मर्जी से शादी करोगी।
पहले ही तुम्हारी वजह से हमारे भाई की काफी बदनामी हो चुकी है मोहल्ले में। पापा मैं बहुत परेशान हूँ, आप समझ नहीं रही, सेठी साहब के रिश्तेदार बहुत तंग कर रहे हैं मुझे। वो तो होगा ही, हमेशा ही करते, कौन सी नई बात है, तफसील से बताओ कि अब क्या किया है। वो चाहते हैं कि मैं खानदान में शादी कर लूं। पापा साफ साफ नजर आ रहा है कि वो सेठी साहब की जायदाद हथिया कर हर चीज पर काबिज होना चाहते। लालची लोग हैं, इसीलिए जब तुम्हारे मरहूम शौहर हयात थे तो अपने रिश्तेदारों से दूर रहते थे, लेकिन थे नेक आदमी हैं, अपने मरने के बाद भी वजीफों का सिलसिला लगा गए इन लोगों के लिए तुम्हारे तवस्सुत से। पर ये तो लालची हैं, लालच का पेट कहाँ भरता है, सब कुछ लूट लेना चाहते हैं। लेकिन शबराता नापा, मुझे कोई लालच नहीं है, बेशक वो सब ले ले। सेठी साहब ने अपनी जिंदगी में जो सिलसिले शुरू किए थे, जिनसे गरीबों के यतीमों के घर चलते थे, आप तो जानती है ना, वो सब बनना हो जाए। वही तो, हड़पना चाहते हैं सारी जायदाद तुम्हारी है, दो दिन में सब कुछ बेच देंगे, शैतान लोग होते हैं ऐसे। मैं क्या करूं शबराता नापा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भाजपा देखो, समझाया था ना कि इसका एक ही इलाज है, निकाह कर लो। कोई अकेली औरत को इज्जत से क्यों नहीं रहने देता। औरत की इज्जत निकाह में है, और तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो। तुम्हारे लिए ऐसा लड़का ढूंढ के लेकर आऊंगी जो तुम पे हावी नहीं होगा, शौहर होगा पर हुक्मरानी तुम्हारी होगी, शर्तें तुम्हारी होंगी, इख्तियार तुम्हारा होगा। ठीक है आपा, मैं तैयार हूँ, जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन ऐसा लड़का मिलेगा कहाँ। मैं हूं ना, मैं ढूंढ के दूंगी, मैं दुआ करूंगी, तुम क्यों परेशान। दम पड़ देती हूँ, तुम्हारी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। नहीं पप्पू, हरगिज नहीं। कर क्यों जाहिद? अरे शकूर तुम्हारा देखा भाला है, नेक है, शरीफ है, सूरत से नेकी झलकती है, और सबसे बड़ी बात ये कि तुम्हें भाइयों जैसा प्यार करता है। अरे इससे अच्छा रिश्ता और कहाँ मिलेगा नाइला के लिए। सब जानता हूँ, ये सारा चक्कर नायला का चलाया हुआ है। फांस रही है वो उसे, घर जाके खबर लूंगा उसकी। साहिब बेटा, अपनी बहन से इतनी नफरत क्यों करने लगे हो? कोई इज्जत से रिश्ता लेकर आता है तो इसमें बेइज्जती कैसी, ये तो अच्छी बात है। मसला ये है पप्पू कि इज्जत ना तो मेरी बहन को राज आती है और ना ही माँ को, और जो बची कुची इज्जत मेरी शकूर के सामने है ना, उसको भी मिट्टी में मिला के छोड़ेगी ये नायला। अच्छा तुम्हें ये रिश्ता इसलिए पसंद नहीं है कि शकूर तुम्हारा मुलाजिम है, और तुम्हारी अना को ठेस पहुंचती है अपनी बहन का रिश्ता मुलाजिम को देते हुए। नहीं पप्पू, ऐसी बात बिल्कुल नहीं, शकूर मुझे दिल से प्यार है, मेरे भाइयों की तरह। मगर क्या बेटा, अरे इसमें बुराई क्या है? बुराई शकूर में नहीं है पप्पू, नाइला में। वो बिल्कुल मेरी माँ जैसी है। मैं जानबूझकर शकूर को किसी आग में धकेलना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि नायला की शादी किसी ऐसी जगह पे हो जाए जहां पे मुड़ के मुझे उसे वापस देखना ना पड़े, फिर वो जाने और उसका ससुराल। कैसी बातें करते हो जाहिद, अरे बहन भाइयों के रिश्ते भी कभी छूटे हैं। पप्पो मेरा और नायला का कोई रिश्ता नहीं है, दम घुटता है मेरा उसके होते हैं। एक बार उसकी शादी हो जाएगी ना, फिर मेरा उसके साथ कोई वास्ता नहीं होगा। सबा को दीवी कसम पूरी कर रहा हूँ। अच्छा अगर ऐसी बात है ना, तो फिर कम से कम उसे वहां ब्याह हो जहां वो खुश रहे, वहां उसको इतना प्यार मिले कि पलट कर देखने की जरूरत भी महसूस ना करे। अगर आपका इशारा शकूर की तरफ है ना, तो ये तो कभी नहीं होगा। मैं नायला की खातिर शकूर को नहीं खो सकता, इज्जत करता है वो मेरी,
और अगर कल को उसके सामने सब कुछ खुल गया तो नजरें नहीं मिला पाऊंगा मैं उसे। और अगर कल को नायला भी मेरी माँ की तरह भाग गई तो है तो उसी की बेटी ना। नहीं पापा, नायला और शकूर की शादी हरगिज़ नहीं हो सकती और ये मेरा आखिरी फैसला है। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। जाहिद कहाँ है? जाहिद भाई बाहर गए हैं, आ जाएंगे थोड़ी देर में। तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारा क्यों मुंह उतरा हुआ है? यकीनन किसी की कमीज तुमने खराब कर दी है। पिटे हो तुम? बस यूं ही समझ लेंगे पिटा हूं। आपको कोई काम था? अरे बदतमीजी क्यों कर रहे हो? हाँ काम है, वरना यहाँ क्यों आऊंगी? लेकिन तुमसे नहीं है, जाहिद से है। अगर कोई दिल का काम है ना तो भूल जाए ना, वो खुद का जुड़ने देते ना किसी और का। वाह भाई, बढ़िया आशिकों वाले रोने रो रहे हो, सेम टू सेम आलिया। मुझे तो लगता है खैरियत नहीं है। पता नहीं। अच्छा पता नहीं, ये देख लेना सब पता चल जाएगा। खुदा हाफिज। ये ले जाकर एंजॉय कर, पैसे पैसे। विकी। हाँ ज़हीर नसीर। ये बक बक बंद करो, ये अम्मा पता नहीं कहाँ से आ गई हैं। उत्तरी खैर। मुझे भी दुकान में छुपा लो, अगर अम्मा ने देख लिया कसम से गजब हो जाएगा। यार अच्छा चलो आओ अंदर आओ, वहां जाके छुपो, नीचे होके बैठो। जाहिद से मिलने आई थी ना तुम? हाँ क्या मतलब है? मतलब ये कि तुम जाहिद से मिलने आई और अपनी अम्मा को देखकर मेरे पास छुपने चली आई, और क्या, सब जानता हूँ मैं। ठीक कह रहे हो तुम, पूरा महल्ला ही जानता है, सिर्फ जाहिद ही नहीं जानता। अरे यार अगर तुम विकी जैसे किसी जीदार आदमी को दिल देती तो यूं ठोकरे तो ना खानी पड़ती। तुम दिल दे बैठी वो बर्फ की सिल को। ए जाहिद के बारे में इस तरह बात मत करो, वो जैसा भी है उस जैसा कोई नहीं है। और तुम क्या बोल रहे हो, तुम तो उसकी जूती की खाक के बराबर भी नहीं हो। अरे क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही हो? क्या कहना चाह रहे हो? इस दुनिया में एक ही आदमी है जो तुम्हारी मोहब्बत की नैया को पार लगा सकती है, उसी से बैर ले रही हो तुम। तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए? अरे क्या नहीं कर सकता विकी, तुम जो चाहोगी वो कर दूंगा। अच्छा मसलन? मसलन ये कि जाहिद को तुम्हारा बना सकता हूँ, और क्या। क्या सच? और नहीं तो क्या। अरे जाहिद मेरे बचपन का दोस्त है, लंगोटिया यार, उसकी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। तो तुम उसको कहो ना मुझसे मोहब्बत कर ले। अरे ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा तो फिर कैसे होता है? इसके लिए तुम्हें मुझे अपना गुरु मानना होगा, अपना पीर। तुम और पीर? अच्छा ये जो तुम्हारी अम्मा पूरे मोहल्ले की जाली पीरनी बनी हुई है, पूरे मोहल्ले को अपना गर्वीदा बनाया हुआ है, उसका कुछ नहीं, और मुझे अपना लव गुरु मानते हुए तुम्हें मसले हो रहे हैं। ठीक है रहने दो, मैं तो तुम्हारे लिए कह रहा था। अच्छा समझो मान लिया, फिर क्या कर लोगे तुम मेरे लिए? देखो मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें भी करना होगा। मुझे क्या करना होगा? ये पकड़ो। क्या है इस पे? तुम मुझे अपना नंबर लिख के दो। क्या मैं अपना नंबर तुम्हें लिख के दूं? किस खुशी में? तुम्हारा नंबर नहीं होगा तो तुमसे जाहिद से बात कैसे करवाऊंगा? मैंने कहा ना मेरे बचपन का दोस्त है, उसे बहलाऊंगा बुसलाऊंगा तुम्हारी तरफ लेके आऊंगा, और इस सब में अगर तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर ना हुआ तो तुमसे बात कैसे हो पाएगी? चलो ना जल्दी लिख के दो। अरे दे दो, अरे जल्दी लिख दो यार। देखो ये नंबर कहीं जाना नहीं चाहिए, और मेरी ना फौरन जाहिद से बात करा देना। हाँ
हाँ हाँ अब देखते जाओ क्या करता है तुम्हारा लव गुरु। तुम्हारी लव की ट्रेन तो ट्रैक पे आ गई माँ कसम। ठीक है शाला। अच्छा अब जरा जल्दी से देखो अम्मा चली गई क्या। हाँ हाँ चली गई। आ जाओ आ जाओ जल्दी आ जाओ। पक्का ना। हाँ हाँ जो मैंने कहा उसका ख्याल रखना। डोंट वरी डील। ये क्यों निकली तुम्हारी दुकान के अंदर से? कौन आलिया? याद है मैंने कहा था वो तितली है? और तितली बैठती है ना फूलों पे। तेरा भाई तो वैसे भी फ्लावर है। क्या हुआ मेरे दोस्त? चल आ जा तुझे चाय पिलाता हूँ जबरदस्त। मूड नहीं। मूड नहीं? अरे यार इतनी मजेदार चाय पिलाऊंगा तुझे। बिस्किट भी खिलाऊंगा साथ में। पापे पापे भी खा लियो। जाहिद अपना घर बार अम्मा को सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पास आ गई। जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। अब तुम मुझसे शादी कर लो। हाँ फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। प्यार करती हूँ मुझसे? बेइंतहा मोहब्बत। शादी करना चाहती हूँ मुझसे। जो लड़की अपनी माँ की नहीं हो सकी वो मेरे साथ क्या बाबा करेगी? जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से। मैं तुमसे मिलने आई हूँ मेरी जान। तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा माथा इतना गर्म क्यों है? तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। आप आ गए हैं मम्मी? सब ठीक हो जाए। मैं ठीक हो जाऊं? जाएंगे तो नहीं ना अम्मी? मुझे जाना तो होगा अम्मी। जाना होगा मुझे बेटे। जाना होगा अम्मी। अम्मी अम्मी क्या हुआ जाहिद भाई? आप डर क्यों गए? कोई बुरा ख्वाब देखा है क्या? आप थे? जी शायद आपने कोई बुरा ख्वाब देखे तभी आप डर के उठ गए। सहित भाई आपको तो बहुत तेज बुखार है। मैं काम करती हूँ आपके माथे पे ठंडी पट्टियां रख देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है।
चली जाओ यहां से, अकेला छेड़ दो मुझे, छोड़ दो अकेला। भाई भाई मेरी बात तो सुने, भाई अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप घर चले जाएं, दुकान मैं देख लूंगा। ठीक हूं मैं, मेरे खुद को तो संभाल ले। और देख रहा हूं दो चार दिन से तुम्हारा काम में ध्यान नहीं रखा। नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस काम थोड़ा ज्यादा है ना इसलिए। देखो शकु, दोबारा पप्पू के पास जाने की जरूरत नहीं, तुम जो चाह रहे हो ना वो नहीं होगा। मैं तो बस अपनी बेहया बहन की वजह से शर्मिंदा हूं, बार बार तुमसे ये बात करनी पड़ी। मन कर रहा है कि उल्लू भर पानी में डूब मरूं। अरे नहीं भाई ऐसे तो मत कहना, मुझे बहुत अफसोस कि मेरी वजह से आप दोनों बहन भाई में ही गलत फहमी पैदा हो गई। मैं तो अस्सलाम वालेकुम। ले भाई तेरा काम तो करा ही, इतनी भाग दौड़ और शपरातन की अड़ंगियों के बावजूद। अब तो तू जल्दी से ना मुझे ठंडी सी बोतल पिला दे, मेरा तो गला खुश्क हो रहा है। शकुर जाओ खाला के लिए ठंडी बोतल लेके आ। मैं अच्छा रिश्ता ढूंढ के लाई हूँ ना कि तू हैरान हो जाएगा, पर ना अपने घर के हालात तो तुझे पता है भाई, तेरी बहन बहुत खुश नसीब है। खुश नसीब खाला रिश्ते का बताओ। अरे वो हमीदा नहीं है, मुन्ने हलवाई की बीवी, उसका बेटा सलीम। लेकिन वो तो बाल बच्चों वाला नहीं है। अरे बीवी वाला नहीं है, बच्चों वाला रंडवा है। कुछ अरसे पहले उसकी बीवी इंतकाल कर गई, जवानी में ही चली गई बेचारी, एक माजूर बच्चा छोड़ गई है बस। अरे कुछ अरसे पहले हमीदा ने मुझसे जिक्र किया था, मेरी तो मती मारी गई थी, फिर अचानक मुझे नायला का ख्याल आया तो मैंने उसका जिक्र छेड़ दिया। ये लीजिए ठंडी ठंडी बोतल। हाय हमीदा से इतनी लंबी बहस कर करके ना मेरे तो गले में दर्द हो गई। तुम इधर खड़े क्या कर रहे हो, जाओ काम करो अपना। खाला जब ये लोग होते हैं थोड़ा आराम से बात किया करो, सुनते हैं सब। वैसे सही कह रहे, जरा सा फरीकिया सर पे चढ़ जाते हैं, और बोतल इतनी गर्म लाया जरा सा नहीं स्वाद आ रहा। खैर छोड़ो, वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि ये रिश्ता ना 100% खुदाई फैसला बनकर आया है, तुम्हें कोई एतराज है क्या? नहीं खाला एतराज नहीं है मगर। अरे ये अगर मगर छोड़ो और बिस्मिल्ला करो, शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। और देखो ना मैं तुम्हें कोई गलत मशवरा दे के इस मोहल्ले में रही सही साख तो नहीं खराब करूंगी। सीधी सी बात है, नायला का किसी अच्छी जगह रिश्ता करवाऊंगी तो मेरा जिक्र भी नेक नामी से होगा इस मोहल्ले में। ठीक है खाला आप बिस्मिल्ला करें और रिश्ते वालों को हाँ करें। ये की ना तूने काम की बात। हमीदा खाला कहाँ हैं? वो अंदर मेहमान आए हुए ना, बस उन्हीं के साथ मसरूफ हैं। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, दरअसल ये दम का पानी है, अम्मा ने ना 786 दफ़ा वजीफ़ा पढ़ के इस पे दम कर दिया है, और ये कहा है कि फजर की नमाज के बाद हर रोज़ 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के 2 घूंट पीने हैं, और इंशाल्लाह जो दुआ मांगेंगी ना कबूल होगी। इंशाल्लाह
लगता है बीच सबरहतन का वजीफा अभी से काम करने लगा है। उन्हें बहुत सलाम और शुक्रिया कहना मेरा। अशगुफ्ता, समोसे बहुत ही अच्छे थे हमीदा से कहना, मगर आइंदा ना समोसों पे मटर खाना, मैं बता रही हूँ तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम शमशाद खाला। वालेकुम सलाम। आज तुम्हारी माँ ने तुम्हें मेरे पीछे मुखबर छोड़ा हुआ, जहाँ जाती हूँ जासूस बिल्लियों की तरह आस पास मंडलाना शुरू कर देती है। अरे शमशाद खाला, मुझे जमाने भर के काम है, और वैसे भी ये काम तो पुलिस का है, मुझे क्या पड़ी है फ्रॉडी औरतों के पीछे पड़ने की। फ्रॉडी औरतें और पुलिस, अल्लाह तुम माँ बेटियां ना मेरी जान का अजाब बन गई हो। तुमसे बात करना, अपनी बेइज्जती करवाना मुफ्त में। अच्छा चलिए ठीक है, अगली दफा मुफ्त में नहीं करूंगी, थोड़े समोसे खिला के फिर करूंगी। क्यों? अरे चल हट, समोसे खिलाएगी, बहुत जुबान है भाई तेरी। ना करो आलिया, इतनी अच्छी तो है शमशाद खाला, इतनी फिक्र है उन्हें मेरी, इतना अच्छा रिश्ता लाई है। हैं? आपकी फिक्र? वो यहाँ आपके भाई की शादी की बात करने नहीं आई थी क्या? तो एक ही बात हुई ना। बात तो एक ही। लाइए जाहिर पे, मैं कर देती हूँ। नहीं कर लूंगा मैं। करने देना मुझे। जब तुम नहीं होती थी तो ये सारे काम मैं नहीं करता था क्या? जाओ बना लूंगा मैं। जाहिद भाई घर पर ही, आप जाएं यहाँ से। मुझे पता है, बाइक देख ली थी मैंने उनकी, मैं यहाँ आपसे ही बात करने आया हूँ। ये आप लोग मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। क्या मतलब? अगर जाहिद भाई को आपके रिश्ते की इतनी ही फिक्र है तो मुझ पे क्या बुराई है? उस सलीम उस टंडे में क्या रखा हुआ है? ये बात आपको जाके जाहिद भाई से करनी चाहिए, क्योंकि इस बात का जवाब मेरे पास नहीं है। और आप यहाँ से जाइए, खुदा का वास्ते है, अगर जाहिद भाई ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। इससे ज्यादा मेरे ऊपर क्या कयामत आएगी? जिसे इतना चाहा, जिसे इतनी इज्जत दी, वही मुझे इस तरह से धुतकार रहा है। क्या गुनाह ही क्या है मेरा? यही ना कि मैं गरीब हूं? मेरा यकीन करें, मैं बहुत मेहनत करूंगा, अमीर बन के दिखाऊंगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा मत करें। मेरी किस्मत का हर फैसला मेरे भाई के हाथ में है, मैं कुछ नहीं कर सकती। चाहे उससे दो जिंदगियां बर्बाद हो जाए। हाँ, चाहे इससे मेरी जिंदगी क्यों ना बर्बाद हो जाए, मेरे भाई के भरोसे के बदले में मैं कुछ भी कुर्बान कर सकती हूँ। और मेरा क्या, आप मुझे भी कुर्बान कर देंगे? शकूर, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैंने आपके बारे में कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा। झूठ मत बोले मुझसे, आपके दिल का हाल मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। कुछ नहीं है मेरे दिल में, जो मेरी किस्मत में है मुझे वही कबूल है। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मेरे जज्बात की किसको फिक्र हो? गरीब हो ना, मुलाजिम, मैं चलता हूं, लेकिन जाने से पहले ये मेरा नंबर रखे लेना, रखे ले। अगर आपको लगे कि आपको आपकी किस्मत ज्यादा आपके दिल पे भरोसा होने लगा है तो मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं फौरन आ जाऊंगा। और नायला,
नायला। जी भाई। खाना बना दिया, भूख लगे तो खा लेना। जी। खाना तो मिली थी मुझे। वक्त गए नहीं अभी मोहल्ले से। तो मोहल्ले से जाने का ये मतलब थोड़ी है कि उनका ताल्लुक टूट जाएगा सारे मोहल्ले वालों से। ऐसी आई वो ताल्लुक निभाने वाली, अल्लाह उसके शर से अपनी तमाम मखलूक को महफूज रखे, उसका बस चले तो गली में बैठे हुए कुत्ते को भी ठग ले वो। दिखी गांधी वो हमीदा खाला नहीं। खबरदार उस औरत का नाम लिया तूने। क्यों, क्या हो गया अम्मा? वो कंजूस औरत मेरे वजीफे के पैसे दबा के बैठ गई। अब कैसे होगी उसकी बेटी की शादी है जब अल्लाह के नेक कामों में बेईमानी करेगी। अम्मा बेचारी के पास नहीं होंगे पैसे, बाद में दे देंगी, क्या हो गया? उसके पास पैसे नहीं होंगे, अच्छी तरह मालूम है मुझे। बहू के मैके वालों से इतना पैसा और माल बटोरा था इसने, और किया क्या इसने? जब वो लड़की मरी तो उसके जनाजे पर चवन्नी भी खर्च नहीं की। मैं भी ऐसा वजीफा करूंगी, इसकी बेटी की जो घनी मोटी चुट्टियां है ना, गिर जाएगी, गंजी हो जाएगी, फिर बैठी रहेगी घर, शादी नहीं होगी इसकी। अरे अम्मा अल्लाह के वास्ते कुछ तो खुदा का ख्वाब करो, आपकी अपनी बेटी भी तो है, ये आपकी बातें मेरे आगे ना आ जाए। तेरे आगे क्यों आएगा, तेरे लिए मैं खास दुआ करती हूँ, और इन दोनों को मैं क्यों ना कुछ कहूँ। है ये भले से किसी की बेटी के साथ कैसा भी सलूक करती, फिर बेटा शैतान को शैतान ना कोना तो इसमें भी गुनाह होता है। ये दोनों छिपकलियाँ शमशाद और हमीदा, इनको तो मारने का भी सवाब मिलेगा। वैसे अच्छा है, दोनों एक जैसी है, जैसे को तैसा, एक दूसरे को ठगती रहती है और फिराट करती रहती है। अच्छा अम्मा ये लड़का सलीम है ये कैसा लड़का है? वो अंधी होगी है तू, भाईजान है पूरा का पूरा भाईजान। हाँ ठीक है भाईजान होगा, मेरा कहने का मकसद ये शादी के लिए कैसा? उसके पीछे चल पड़ी है तू? नहीं नहीं अम्मा, मुझे लगता है शमशाद खाला उसका कहीं रिश्ता करा रही है। अस्तगफार, किसको चढ़ाने लगी है उस आदमी के हाथ पे? गुस्सा तो उसके नाक पे धरा रहता है, नंबर का बदतमीज है वो। है उसकी बहन के मुंह पे इतना बड़ा निशान है ना, ये गिलास खींच के मारा था सलीम ने, तभी तो बेचारी घर बैठी, उसकी शादी नहीं हो रही और बच्चे को तो यहाँ वहाँ पटकता। बीवी बेचारी पे तो इतने जुल्म किए, इतना पीटा उसको, वो तो दुनिया से ही चली गई। लेकिन अम्मा ये सारी बातें आपको कैसे पता है? हाय आलिया, उस बच्ची की मैयत मैंने नहला के अपने हाथों से तो निकाली थी, इतने बड़े बड़े निशान थे, नील थे उसके जिस्म, बड़ी बेदर्दी से मारा था इसने उसको, बेचारी तो जान से चली गई। हमीदा ने मुझे कई बार कहा कि मेरी बेटी की शादी करा दो कहीं, लेकिन मैंने तो साफ पल्ला झाड़ लिया, मैं क्यों किसी की अजियत का वसीला बनूं? तूने मुझे किन बातों में लगा दिया है? मैंने काम खत्म करना है, असर का वक्त निकल रहा है, फिर मैंने अपनी माँ जबीन के लिए वजीफा भी करना है, दुआ भी करनी। चल उठ, चल के वजू कर, चल या अल्लाह, तूने मुझे क्यों पैदा किया? पैदा ही करना था तो औरत क्यों बनाया? औरत भी बनाया तो पहले यतीम और फिर बेवा? अगर ये सब ही करना था तो मेरे मौला दुनिया ऐसी क्यों बनाई मेरे परवरदिगार? मैं तेरी मेहरबानियों की ना शुक्री नहीं कर रही मेरे मौला, पर तुझे मालूम है ना मुझ पर क्या बीत रही है? मैंने दिल से कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी मैंने खयानत नहीं की। शौहर की वफात के बाद भी उसकी दौलत उसकी इज्जत पर चौकीदार बनी बैठी रही, मगर मेरे परवरदिगार कब तक? क्या अकेली औरत को इज्जत से एक कदम रखने का भी हक नहीं? क्या मैं बुरा करने जा रही थी या इलाही? क्या तुझे मेरा अपने दर पर हाजिरी देने की तमन्ना करना पसंद नहीं आया? मैं तो तेरे ही बताई राह पर इज्जत से निकाह करके निकलने वाली थी, फिर लोगों ने मेरा तमाशा क्यों बनाया? ये कैसा इम्तिहान है अल्लाह,
अल्लाह मुझे इस इम्तिहान की घड़ी से इज्जत और आबरू के साथ निकालना, मुझे क़यामत के दिन किसी के सामने शर्मिंदा ना होने देना, ना मेरी माँ ना बाप ना शौहर और ना ही ये दुनिया किसी के भी सामने नहीं। या अल्लाह मैं इस दुनिया और इसके लोगों के शर से तेरी पनाह मांगती हूँ, परवरदिगार मेरी मदद कर।